नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो। दोस्तों, जो किसान भाई खेती करते हैं, धान की रुपाई करते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि धान की रुपाई तो करते हैं लेकिन सही टाइम पर वो अपने खेतों में यूरिया नहीं डाल पाते, क्योंकि धान के पौधों को नाइट्रोजन की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए यूरिया महत्वपूर्ण खाद हो जाता है धान की फसल के लिए। तो हम अपने खेतों में कितना यूरिया डालें और कब कब डालें, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम गारंटी के साथ क्लियर करने वाले हैं। गारंटी हमने इसलिए बोला कि अगर आप इस तरह से अपने खेतों में यूरिया डालते हैं तो आपके धान के पौधे सही तरीके से ग्रो होंगे, धान के पौधों में कल्ले भी बहुत अच्छे आएंगे और धान की जो उपज है 100% आपकी ज़्यादा होगी। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आपको अपने धान के फसल के लिए आपको यूरिया का इस्तेमाल करना है। वैसे तो आपको बता दें कि धान के फसल में आपको यूरिया के साथ साथ जिंक, पोटास, मैग्नीशियम इत्यादि पोषक तत्वों की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत पड़ती है वो है यूरिया। तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि धान के फसल में आपको पहली बार यूरिया कब डालना है। तो दोस्तों, जब हम अपने बिचड़े को, यानी कि जिसे हम मोरी कहते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, बिचड़े को उखाड़ करके हम नए खेत में रुपाई करते हैं तो उसको 2-3-4 दिन तक लगभग उसको जड़ों को पकड़ने में टाइम लग जाता है। पहला दिन तो वो उसमें मिट्टी में जाता है, 2-3 दिन के बाद उससे जड़ें निकलना स्टार्ट होती है और लगभग 10 दिन के बाद वो जड़ें जमीन में पकड़ लेता है अच्छी तरीके से, यानी कि धान के जो पौधे हैं वो पूरी तरह से जड़ों में मजबूती से पकड़ लेता है, मिट्टी में पकड़ बना लेता है और वो आगे ग्रो करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे आम भाषा में कहते हैं कि धान में हरियाली आने लगा है। तो ये पहला वक्त होता है जब आपको अपने धान के खेत में यूरिया डालने की ज़रूरत पड़ती है। अब कितना आपको यूरिया डालना है, तो अगर आप पहली बार यूरिया डाल रहे हैं तो देखना है कि 10 से 12 दिन के आसपास जो आपके खेत हैं उसमें क्या ग्रोथ है, तेज़ी से पौधे में हरियाली आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आप देख रहे हैं कि नॉर्मल है, अच्छे तरीके से धीरे धीरे पौधे ग्रो कर रहे हैं, तो आप पर एकड़ के हिसाब से 45 kg यूरिया उसमें डाल सकते हैं। ये डालने के बाद धीरे धीरे पौधे अब और आगे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर दूसरा जो यूरिया डालने का टाइम आता है वो है टाइम 20 दिन के बाद। 20 दिन के बाद आपके पौधे बिल्कुल हरे हो जाते हैं, जड़ों को बिल्कुल पकड़ लेते हैं और कल्ले बढ़ने का ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। तो इस टाइम पौधों को नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है कि जितने ज़्यादा कल्ले होंगे, जितने ज़्यादा पौधे में जड़ें होगी और जितने मोटे जड़ें होगी, जितने ज़्यादा कल्ले होंगे उतना ही उपज आपका ज़्यादा होगा। तो ये 20-25 दिन के आसपास का जो टाइम होता है कल्ले फेंकने का टाइम होता है। तो इस टाइम पर आप पौधों के ज़रूरत के हिसाब से 30 से 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से आप फिर दोबारा यूरिया इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे इस्तेमाल करने से फिर आपका पौधा तेज़ी से कल्ले ग्रो करेंगे। अब तीसरा जो टाइम आता है वो 30 से 35 दिन के आसपास का आता है। ये वो टाइम होता है जब कल्ले पूरी तरह से फेंक दिए होते हैं और धान बिल्कुल आगे ग्रो कर रहा होता है, अपने फुटाव की ओर बढ़ने की कोशिश करने लगता है। तो इस वक्त भी आपको करीब 25 से 30 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेतों में यूरिया आपको डालना है, जिससे आपके पौधे सही तरीके से ग्रो होंगे और बिल्कुल हरे भरे होंगे। इन सब के अलावा अगर आपके पौधों में दीमक की समस्या होती है, कीट पतंगे ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप उसमें दीमक को मारने वाली दवाएं भी डाल सकते हैं 2 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से। मैंने पूरे वीडियो में आपको 3 बार यूरिया डालने के लिए बताया है कि कब डालना और कितना डालना, ये चीज़ें आपको मैं अच्छी तरह से बता चुका हूँ। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ भी अगर आपका पौधा तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है, पहली बार आपने यूरिया डाला लेकिन आपके पौधे हरे भरे नहीं हो रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा 10 केजी जिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यूरिया के साथ, पोटास का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंक पोटास और यूरिया तीनों मिला करके भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये 10-10 दिन का जो पीरियड होता है उस पीरियड में आपको देखना है कि मसाले देने के बाद 10 दिन में आपके पौधे में कितना अंतर आ रहा है। अगर आपके पौधे बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल हरे भरे हैं, तो आप जिंक पोटास वगैरह नहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो चलेगा। अगर आपके खेत में उर्वरक क्षमता कम है और आपके पौधे सही से ग्रो नहीं हो रहे हैं,
तो आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना है, अन्यथा आपको उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। मुख्य रूप से इस वीडियो में हम बताना ये चाह रहे थे कि आपको अपने खेतों में यूरिया कब और कितना डालना है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई ऐसे होते हैं, जो छोटे किसान भाई होते हैं, वो मुख्य रूप से अपने खेत में यूरिया ही डालते हैं, जिंक पोटास मैग्नीशियम इत्यादि चीज़ों को नहीं इस्तेमाल करते। ये सब चीज़ें बड़े किसान भाई इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो ये वीडियो था वो गाँव घर के छोटे किसान भाई हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वे लोग केवल खेतों में यूरिया का ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।